हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम, मेरा जो बच्चा है बहुत तेज़ी से पलक झपकता है, आंखें जो ब्लिंक करता है बहुत तेज़ी से करता है, इसके पीछे का क्या कारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो आप पूछते हैं कि इस चीज़ का कोई घरेलू उपाय बताइए, देखिए हर चीज़ का कोई घरेलू उपाय नहीं होता है। आंखें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो आंखों में कभी भी कोई भी घरेलू उपाय ना करने की कोशिश करें। ऐसे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अपने बच्चे की आंखों में लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इसमें आप कोई भी घरेलू उपाय मत कीजिए। अब बात करते हैं कि बच्चा बहुत तेजी से आंखें क्यों झपकता है। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा बच्चा बैठा है, बहुत तेजी तेजी से पलक झपक रहा है, हम नहीं समझ पाते क्या कारण है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा 1 मिनट के अंदर 3 से 18 बार ही पलक झपकता है, और अगर आपका बच्चा इससे ज्यादा बार बहुत तेजी तेजी से पलक झपक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का जो आंखें हैं उसमें कुछ ना कुछ समस्या जरूर है, या बच्चा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या फील कर रहा है जो वो नहीं बता पा रहा है। तो 18 बार तक भी अगर एक बच्चा 1 मिनट के अंदर आंखें झपकता है तो वो बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए दोस्तों, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव। देखिए क्या होता है कि आपके जो ये मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव आता है, फेस की जो मांसपेशियां होती हैं और उसमें ऐठन आ जाती है, जिसका जो प्रभाव है हमारी आंखों पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चों में बेसिकली ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने के कारण होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो खिंचती हैं और इसका जो प्रभाव है उसकी आंखों पर पड़ता है। आंखों में दर्द होता है, तनाव आ जाता है आंखों में, जिसके कारण बच्चा बार बार आईज ब्लिंक करने लगता है। दूसरा कारण क्या होता है? देखिए, आंखों में सूखापन आ जाना। जो हमारी अश्रु ग्रंथि होती है वो थोड़ी सी सूख जाती है आंखों के अंदर, ये जो हमारी पुतली होती है इसमें हल्का सा ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण बच्चा बार बार आंखें झपकने लगता है, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है, नमी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण भी बच्चा बार बार आंखें झपकता है। तीसरा इसका कारण होता है दोस्तों कि बच्चे की पास की नजरें कमजोर हो गई हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ते हुए बार बार आईज ब्लिंक कर रहा है, कोई चीज को देख रहा है बार बार आईज ब्लिंक कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की आई साइड वीक हो गई है, इसमें कुछ ना कुछ समस्या हो गई है। कभी कभी दोस्तों एलर्जी के कारण भी ऐसा हो जाता है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। बच्चा बाहर खेल रहा है, हवा चल रही है, धूल मिट्टी चली जाती है, उसके कारण एलर्जी हो जाती है। गंदे हाथ लग जाते हैं, उसके कारण भी एलर्जी हो जाती है। तो कभी कभी इस कारण से भी बच्चा बार बार आईज ब्लिंक करने लगता है। तो बेसिकली तो दोस्तों यही कुछ कारण होते हैं, और इसके अलावा जो कारण है वो है तनाव। अगर आपका बच्चा लगातार टीवी देख रहा है, कंप्यूटर पे लगातार वर्क कर रहा है, तो इस कारण से भी बच्चे की आंखों में तनाव हो जाता है और बच्चा उसके कारण भी आईज बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लगता है। तो बेसिकली यही कुछ कारण होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी अपने बच्चे में दिखाई देता है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर इसकी जांच करते हैं, बच्चे की आई टेस्ट होता है कि बच्चे की आई साइड वीक है या नहीं है। अगर बच्चे की आई साइड वीक नहीं होती है तो बच्चे को कुछ आई ड्रॉप दी जाती है, जिससे कि अगर बच्चे की जो आईज है उसमें ड्राइनेस आ गई है तो बच्चे को ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे की आंखें हाइड्रेट रहें। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है ख्याल किस बात का रखें। देखिए दोस्तों, ख्याल आपको यही रखना है कि आप एक तो आपको अपने बच्चे के टीवी देखने के समय को लिमिटेड कीजिए। कंप्यूटर पे काम करता है अगर आपका बच्चा, तो आप वहां पर प्रॉपर रोशनी रखिए, वहां पर उजाला अच्छे से रखिए। बच्चे को अगर बाहर खेलता है तो अगर बच्चे की आईज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप देख रहे हैं, तो बच्चे की आईज को कवर कर सकते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा आपको। और आप खाना पीना बहुत अच्छे से खाइए, हेल्दी फूड लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है हमारे अश्रुग्रंथि में, जो सूखापन आ जाता है, जो हमारा जो आई में जिसकी मैं बात कर रही हूँ ड्राइनेस आ जाती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन का सेवन कीजिए। साफ सफाई का ध्यान रखिए, आंखों में सूखापन ना हो, और उसके अलावा साफ सफाई हो, गंदगी ना जाए आंखों में, मिट्टी ना जाए। तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए, आप
बिल्कुल उतना लिमिटेड टीवी देखिए, उतना लिमिटेड कंप्यूटर पर वर्क कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, इससे आपके बच्चे की आंखें बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।